चंद रोज में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूँ। सियासत नहीं, मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी का जिहाद कर रहा हूँ। इमरान खान का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में खिताब, कहा मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। आपका कैप्टन मुकाबला करेगा, सब ने मेरी टीम बनना है, मेरा नाम सुनकर चोरों की कांपे टांग जाती हैं। हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग मार्च के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकती है, शहरी इलाकों में जहां थ्रेट्स हैं वहां इकदामात करें, कानून की खिलाफ वर्जी पर मदाखलत करेंगे। किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नतायज हैं, अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आएँ, हमारा काम तवाजुन रखना है। ऑडियो लीक की तहकीकात, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तेदा। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद ऑडियोस को लीक करने से रोकने की भी दरख्वास्त कर दी, कहा वजीर आजम हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। वजारत दाखिला, दिफा, आईटी, इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स पार्टी को छोड़ने का कोई इम्कान नहीं, एतजाज़ अहसन की वजाहत, कहा पीपल्स पार्टी की मीटिंग में भी इख्तलाफ राय किया जाता है, मेरा किसी और जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं, हमारी जमात में इख्तलाफ राय होता है, इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी छोड़ दूँ। पाक कॉलोनी में गुज़श्ता रोज़ मुकाबले में जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा, गार्डन हेडक्वार्टर में पुलिस अफसरान, एहलकारों और अजीज व अकारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेलवे में माली बहरान संगीन होने लगा, महकमे के पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं, चार दिन के जखायर रह गए, यकम नवंबर से बहरान शदीद होने का खतरा। तर्जुमान की बहरान की तरदीद, यकम नवंबर को 3 ट्रेनों को बहाल करने का नोटिफिकेशन मंसूख। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंद्र सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया, 65% सार्फीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।